मेरे पास है लाल किताब और मैं आपको इसके अंश पढ़ के बता रही हूँ जो शनि के बारे में कहा गया है। देखिए, शनि के जो देवी देवता हैं वो शनि देव तो हैं ही, लेकिन भैरव को भी लाल किताब ने माना है देवी देवता शनि का। इनका जो पेशा और व्यवसाय होता है चमार, लोहार, मैकेनिक और बढ़ई होता है। विशेषता क्या है, अक्खड़ किस्म के होते हैं, मूर्ख होते हैं, मतलब बुद्धिहीन होते हैं, मतलब जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, कारीगर होते हैं। गुण है इनका चालाकी, देखना भालना, मौन, चुप रहने की बीमारी भी इनको होती है, मतलब बोलना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, ये मान सकते हैं आप। इनकी जो शक्ति होती है जादू टोना, देखने दिखाने की शक्ति इनके पास होती है, मतलब जो आठ मूलांक के हैं उनकी विशेषता भी आप मान सकते हैं। जिनके लग्न को शनि देख रहा है या जिनके लग्न में शनि है वो भी इस विशेषता वाले, इनमें से कोई भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विशेषताएं हो सकती है अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से। इसकी जो धातु होती है लोहा, फौलाद, कोयला और नीलम को माना गया है। शरीर के जो अंग होता है ये दृष्टि, मतलब आँखों की रोशनी पे इसका प्रभाव होता है। चेहरे के जो अंग हैं उसमें बाल, आईब्रो मतलब भवें और कन पट्टी पे निवास करता है। पोशाक, जूता, मोजा। लाल किताब में हर चीज़ की तुलना तरबूज के साथ की गई है, तो तरबूज के साथ तुलना करने पर ये उसका छाल साबित होता है शनि। पशु में ये भैंस और भैंसा है। वृक्ष में कीकर, आक, खजूर का पेड़। अनाज में काला नमक और उड़द की दाल। ये कहाँ बसता है, निवास कहाँ है, शमशान, वीराना, मैखाना। तो अगर आप शनि के दान करना चाहते हैं और आप मैखाने में या किसी वीराने में लोहे की चीज़ें रख देते हैं, काली चीज़ें रखते हैं, तो आपका शनि शांत होता है। अगर आप जूते मोजे में भी कोई चीज़ रखते हैं और किसी को दान देते हैं तो भी आपको फ़ायदा होता है। रेमेडी इस तरह से की जाती है, शनि को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये है लाल किताब के परिचय, हमने शनि का परिचय दिया और इस किताब के माध्यम से आप जानते हैं कि जिनके जूते जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, जिनके अंडर गारमेंट जल्दी जल्दी मैले हो जाते हैं, तो उनको शनि की शांति करनी ज़रूरी होती है। नशे में बर्बादी, झूठे आरोप, पश्चिम दीवार टूटी होना घर में, ये शनि की निशानी है। अक्सर सांप निकलते हैं आपके घर में, जूते चप्पल का ढेर तितर बितर होता है, तो शनि शांति ज़रूरी होती है। लेकिन जिन लोगों का वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, उनको बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, सरसों के तेल सप्ताह में लगाना चाहिए। आप सोमवार को तेल लगाएं तो आपको फ़ायदा होगा, बुधवार को तेल लगाएं आपको फ़ायदा होगा, और शनिवार को तेल लगाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। शनि को अच्छा करने के लिए बालों में तेल अवश्य ही लगाना चाहिए। अधीरता, लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो आपको सोच विचार के हर काम करना चाहिए। आज हम आपको बताते हैं एक तेल के बारे में कि जो आप कहाँ तेल लगाएं जो आपको फ़ायदा हो। तो आपकी जो मध्यमा उंगली है और शनि का क्षेत्र उसके नीचे है, उस जगह आप कोई भी तेल आज के दिन लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो हम हैं डॉक्टर उमाश्री, ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचाएँ। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच।